अब हम देखते हैं बूटस्ट्रैप को किस तरह सेटअप करना है, कौन सी फाइल हमें डाउनलोडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। सो getbootstrap.com पे आप जाएं, तो यहाँ पे आगे बाद बटन होगा डाउनलोड बूटस्ट्रैप, आप इसे क्लिक करें। यहाँ आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने की, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसको जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है 3.3.7, मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड ऑलरेडी कर ली है और इसको मैंने अनजिप कर दी है। ठीक है, अनजिप करने के बाद इसमें तीन फोल्डर हैं, CSS, फॉन्ट्स एंड JS। नाम से जाहिर है CSS के अंदर उसकी स्टाइल शीट्स पड़ी होंगी, और ये CSS आपके जो जितना भी ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है उसका सोर्स कोड bootstrap.css में है। और क्योंकि हम प्रोडक्शन के ऊपर मिनीफाइड वर्जन यूज़ करते हैं जिसके अंदर वाइट स्पेसेस नहीं होती, जिसके अंदर एक्स्ट्रा लाइंस नहीं होती, तो वो बूटस्ट्रैप डॉट मेन की फाइल है वो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। क्योंकि मिनीफाइड फाइल एक ही लाइन में होती है, मिनीफाइड लाइन एक ही फाइल लाइन में होने की वजह से जब हम इसकी डीबगिंग कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि एग्जैक्ट कोड कहाँ पे है, तो उसके लिए एक मैप फाइल जनरेट की जाती है जो कि आपकी डीबगिंग में आपको हेल्प करती है। तो bootstrap.css.mapfile, ये उसकी मैप फाइल है जिसके अंदर कुछ जेसन स्टाइल में लिखा हुआ है सोर्सेज को, तो ये आपका डीबगर इसको रीड करता है। देन हमारे पास थीम है, जिसमें बूटस्ट्रैप का आपका थीम अवेलेबल है, कि जो आपका ओरिजिनल इसका बाई डिफॉल्ट थीम है वो थीम की क्लास के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह इसकी मिनीफाइड एंड मैप फाइल मौजूद है। फॉन्ट्स के अंदर जो है ये आपके डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं फॉन्ट की, जो कि आपके डिफरेंट ब्राउज़र के लिए बनाई गई हैं। इस फॉन्ट का फ़ायदा क्या है, ये आपके रास्टर ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर ग्राफिक होते हैं, जो पहले काम किया जाता था वो आपके स्मॉल फॉन्ट्स बनाए जाते थे, वो फॉन्ट आपके इमेजेस होती थी और उन इमेजेस के थ्रू जो है वो, यानी फॉन्ट नहीं बनाए जाते थे बल्कि स्मॉल इमेजेस बनाई जाती थी जो आपने यूज़ करनी है। लेकिन अब ये इमेजेस नहीं होती बल्कि अब ये फॉन्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए नेक्स्ट का बटन चाहिए, प्रीवियस का बटन चाहिए, ये होम का बटन चाहिए, तो हम ये बटन ग्राफिक्स के में बनाते थे एडोब में और फिर PNG फाइल में एक्सपोर्ट करके उसको यूज़ करते थे। अब ये फॉन्ट के अंदर अवेलेबल है। या एक और काम होता था कि स्मॉल इमेजेस बना के उसकी एक स्प्लाइस इमेज बनाई जाती थी, एक ही इमेज बड़ी इमेज होती थी जिसके अंदर तमाम फॉन्ट्स है अवेलेबल, तमाम आपके इमेजेस अवेलेबल होते थे, और वो पोजीशंस के हिसाब से उनको जो है वो चेक किया जाता था, उनको डिस्प्ले किया जाता था कि मुझे होम चाहिए, मुझे जो भी बटन चाहिए वो आपकी एक स्प्लाइस फाइल के अंदर आ जाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, फॉन्ट आपके बने होते हैं, हम इन फॉन्ट का यूज़ करते हैं और आपको ये जो है अवेलेबल हो जाते हैं आइकन्स। हम देखेंगे इसको आगे चल के किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास है कुछ आपका बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं, वो हम कंपोनेंट के लिए ये यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की JS फाइल, और अगर और इसी तरह हमारे पास नोड JS की है, NPM फाइल है, ये यूज़ करेंगे, लेकिन इसका अभी हमारे स्कोप से बाहर है नोड JS। तो ये फाइल्स हैं, इनको सेटअप कैसे करना है, आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप इसको किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। मैंने जैसे अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनाया है और इसमें ये फाइल रख दी हैं, और अपने HTML जहाँ इनको यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे jQuery भी रिक्वायर्ड है, jQuery की फाइल इज़ मैंडेटरी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने jQuery ऐड करनी है स्क्रिप्ट में, उसके बाद हम CSS ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप की, फिर उसका थीम ऐड करेंगे, और एट द एंड आपने बूटस्ट्रैप की मिनीफाइड फाइल या दूसरी जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं वो फाइल ऐड करेंगे। और अब चेक करना है आपने क्या ये बूटस्ट्रैप हमारा रनिंग हालत में है या नहीं है, क्या ये सेटअप हो गया है। H1 लिखा मैंने हेलो, इसको अब देखते हैं हम। तो आप ये देखें ये बूटस्ट्रैप इस पे अप्लाई हो चुका है। कैसे पता लगा, अगर ये ना होता, फॉर एग्जांपल ये फाइल्स नहीं होती, तो ये आपको टाइम्स न्यू रोमन में ये आपको हेलो मिलना था। ठीक है, तो क्योंकि ये बूटस्ट्रैप इस पे अप्लाई किया है, अब ये बूटस्ट्रैप का जो थीम है वो इस पे अप्लाई हो चुका है। F12 करें आप, ठीक है, आप इसे क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी किस फाइल से आ रहा है, ये आपकी बूटस्ट्रैप फाइल से ये चीज़ आ रही है, bootstrap.css से लाइन 22
1221 से। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप था। अब हम आगे मूव करते हैं और अब हम इसका प्रॉपर यूज़ सीखते हैं कि क्या किस तरह यूज़ हम इसका करेंगे और हमें ये क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। सो लेट मूव टू नेक्स्ट वीडियो।